हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू किचन एंड गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मिनी चोको लावा केक की रेसिपी, जो बिल्कुल ही 10 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाती है। और मैं इसके अंदर बहुत सारा चॉकलेट भी स्टफ की हूँ फ्रेंड्स, और इसलिए ये रेसिपी खासकर बच्चों के लिए है और बच्चे बड़े दोनों इसे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बोल ली हूँ। अब मैं बोल में 1/2 कप मैं डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो कोई सा भी चॉकलेट, नॉर्मल जो आप खाते हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट, वो यूज कीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं इसे बोल में डाल दे रही हूँ। और मैं उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं हॉट मिल्क यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मिल्क एकदम अच्छे से गर्म ही यूज करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करना है। तो अब मैं इसे अच्छे से चलाते हुए मेल्ट कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से भी इसे मेल्ट कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव में भी आप मेल्ट कर सकते हो इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है कि चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए आप ज़्यादा मिल्क का बिल्कुल ना यूज करें, नहीं तो चॉकलेट पतला हो जाएगा, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी, तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बोल ली हूँ, और अब मैं इस बोल में 3/4 कप मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क डाल रही हूँ। तो 3/4 कप मतलब फ्रेंड्स कि आपको 1 कप से थोड़ा सा ही कम लेना है यहाँ पे मिल्क। और यहाँ पे मैं फ्रेश लेमन जूस ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, मतलब कि एक बड़ी चम्मच जो होती है नॉर्मल वाली फ्रेंड्स, उससे आपको आधा चम्मच यहाँ पर लेमन जूस लेना है। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मिल्क को रेस्ट किए हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो अभी मिल्क में थोड़ा थोड़ा कडल्स होना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसमें बटर डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ी चम्मच में बटर ले रही हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर। आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रहे कि बटर को आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लेना है, जिससे कि अच्छे से वो मिल्क में मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसे अच्छे से चला दे रही हूँ, मिक्स कर ले रही हूँ दूध में। अब मैं यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रेनर ली हूँ। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लोर मतलब मैदा डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे व्हीट फ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 1/4 कप पाउडर शुगर डालूंगी। तो पाउडर शुगर तैयार करने के लिए आपको बस नॉर्मल वाली चीनी लेनी है फ्रेंड्स, उसको आप मिक्सी जार में चला लो, पाउडर शुगर रेडी हो जाता है इजली। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालूंगी। तो कोको पाउडर को आप अगर नॉर्मल चम्मच से ये मेज़र करना चाह रहे हो तो 1 बड़ी चम्मच होगी फ्रेंड्स। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो कि 1 छोटी चम्मच के बराबर है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दो मतलब 2 चुटकी के लगभग होगा ये। तो अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से स्टैंड कर लेती हूँ। अगर आपको इसके मेज़रमेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अच्छे से स्टैंड हो चुका है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ध्यान दें फ्रेंड्स कि इसे ओवर मिक्स बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है फ्रेंड्स कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए हमारा केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। और अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आप सबको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी को आपको रखना है, बिल्कुल भी ज़्यादा पतला ना करें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल दे रही हूँ, और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे केक का बैटर बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर एक अपम मेकर ली हूँ इस तरीके का। तो आज मैं इसी में केक को बनाने वाली हूँ, चोको लावा केक। और तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसे अच्छे से ग्रीज कर देती हूँ थोड़ा सा बटर से, हल्का सा बटर ले ले आप ब्रश की मदद से, हाथों की मदद से आप इसमें अप्लाई कर ले अच्छे से। अब मैं चॉकलेट को भी फ्रिज से निकाल ली हूँ, अच्छे से थोड़ी सी जम चुकी है। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेती हूँ। तो उसके पहले आप अपने हाथों में अच्छे से बटर या ऑयल लगा लें फ्रेंड्स, जिससे कि
अच्छे से इसकी गोलियाँ तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से सारी गोलियाँ आप तैयार कर लें। अब हम तैयार केक की बैटर को अप्पम मेकर में एक एक चम्मच डाल देंगे। इस तरीके से देखिए जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे कि इसे आपको पूरा नहीं फिल करना है, बस थोड़ा थोड़ा आप खाली ही रखें यहाँ पे। तो अब मैं इसमें तैयार की हुई चॉकलेट की गोलियों को भी डाल दूंगी इस तरीके से। और अगर आप भी इस अप्पम मेकर को ऑनलाइन परचेज करने की सोच रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से भी परचेज इसे कर सकते हो। और मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की भी लिस्ट ऑनलाइन परचेज करने की डाल दूंगी लिंक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसमें सारे चॉकलेट के बॉल्स को डाल दी हूँ बैटर के अंदर। और अब मैं यहाँ पे ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा केक के बैटर को डालूंगी। तो यहाँ पे एक बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि चॉकलेट बॉल्स को आपको अच्छे से केक के बैटर से कवर करना होगा, जिससे कि जब आप इसे बेक करोगे तो चॉकलेट मेल्ट होकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। और एक बात का और भी आपको ध्यान देना है कि केक का जो बैटर है उसे आप ओवरफिल इसमें बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो बेक होते समय बाहर निकल आएंगे। अब मैं इसे गैस पे रख दी हूँ बेक होने के लिए। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है यहाँ पे। और अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो अब मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा एक तरफ से बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। तो अब मैं इसे दूसरी तरफ से बेक कर लूँगी। तो उसके लिए मैं इसे एक चम्मच की मदद से पलट लेती हूँ। तो ध्यान दें कि केक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इससे यहाँ पे आपको केयरफुली इसे पलटना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके सारे केक के बॉल्स को अच्छे से पलट ले रही हूँ। तो अब मैं इसे फिर से लो फ्लेम पे 3 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी कवर करके। तो यहाँ पे 3 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, मैं इसे फिर से चेक कर ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चोको लावा केक बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसे पैन से बाहर नहीं निकालूँगी, इसे मैं 5 मिनट्स के लिए इसी में छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिनी चोको लावा केक बिल्कुल ही बेक होकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे स्टार से डेकोरेट करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये रेसिपी, मिनी चोको लावा की रेसिपी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इस रेसिपी को आप ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिए, खास करके आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हमें कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।